दोस्तों नमस्कार। वंडर्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आज हम उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मौजूद एक ऐसे नगर का वीडियो लेके आए हैं जो न सिर्फ प्राचीन काल से भारत की कला संस्कृति को आज भी संजोए हुए है, बल्कि यह नगर व्यापारिक, राजनैतिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वह महत्वपूर्ण नगर है चागघाट। दोस्तों, चागघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित एक अति प्राचीन नगर है, जो विंध्य क्षेत्र में बहने वाली तमसा यानी टोंस नदी के किनारे पर बसा है। चागघाट की उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जनपद की सीमा से लगा हुआ है और चागघाट से होकर ही पहले नेशनल हाईवे 27 पर अब बदला हुआ नाम नेशनल हाईवे 30 गुजरा हुआ है, जो प्रयागराज व रीवा को आपस में जोड़ता है। और यह मार्ग व्यापारिक व यातायात की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन तकरीबन 1000 से ज़्यादा ट्रकें व बसें इस मार्ग से होकर गुजरती हैं। व्यापार की दृष्टि से चागघाट प्राचीन काल से ही काफ़ी प्रसिद्ध था और यहाँ व्यापार के लिए काफ़ी दूर दराज से लोग आया करते थे। इसके साक्ष्य आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब नेशनल हाईवे की वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर व्यापार होने लगा है। कुल मिला के देखा जाए तो चागघाट आज एक प्रमुख व्यापारिक हब बन चुका है। यहाँ से प्रतिदिन करोड़ों रुपए के आवश्यक सामानों का व्यापार होता है। अनाज की बिक्री के लिए यहाँ की गल्ला मंडी काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही टोंस नदी होने की वजह से यहाँ मत्स्य का व्यवसाय भी काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। साथ ही चागघाट तथा उसके आसपास कई पुरातात्विक महत्व के स्थल मौजूद हैं, जो पुरातत्वविदों के लिए काफ़ी महत्व के हैं। दोस्तों, चागघाट की और विशेषता की बात करें तो यह नगर व्यापार के साथ साथ शिक्षा, साहित्य व राजनीति में भी काफ़ी अग्रणी रहा है। यहाँ से कई नामचीन शिक्षक, साहित्यकार व राजनेता निकले हैं, जो देश में अपना नाम रोशन किए हैं। दोस्तों, अगर चागघाट की बात हो रही हो और श्री राम लखन गुप्त जी का नाम न आए तो यह बेमानी होगा, क्योंकि श्री राम लखन गुप्त जी न सिर्फ मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिमान पत्रकार हैं, बल्कि आप एक कुशल साहित्यकार हैं। आप विंध्य क्षेत्र पर कई पुस्तकें लिख चुके हैं और आपकी एक त्रैमासिक पत्रिका हिंद चेतना भी प्रकाशित होती है। तो मैं चागघाट के इतिहास के बारे में, यहाँ की प्राचीनता के बारे में यह चाहता हूँ कि आप संक्षेप में इसके बारे में कुछ बताएं। भारतीय संस्कृति में नदियों का बहुत ही बड़ा योगदान है। भारत का जो भौगोलिक परिवेश है, जहाँ मानव आबादी बसी, उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी बड़े नदी की परिकल्पना के बिना गांव का विकास और वहां का निवास संभव नहीं हो पाता था। मध्य प्रदेश की सीमा से के उत्तरी छोर पर यह चागघाट नगर बसा है। यह इस नगर का सौभाग्य है कि यह पतित पावनी माँ गंगा के तट को धारण करने वाले उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद की सीमा को स्पर्श करता है। यहाँ की तमसा नदी ही इस नगर की ही नहीं बल्कि इस समूचे क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी है।
नगर का विकास इसी तमसा के तट पर होने का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बना। महाराजा गुलाब सिंह जी ने इस नगर को विकसित करने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। वैसे तो देखा जाए तो यह क्षेत्र प्राचीन समय से वेनवंशी राजाओं, आदिवासी राजाओं के भी अधीन रहा है, किंतु आज़ादी के बाद इस क्षेत्र का प्रशासनिक और सामाजिक विकास जिस गति से हुआ, उससे चाकघाट नगर एक व्यावसायिक नगर के रूप में उभर कर सामने आया। यहाँ की तमसा नदी पहले व्यापार का मुख्य जलमार्ग था। यहाँ का गल्ला मंडी, जहाँ पर क्षेत्र के किसान अपनी उपज को लाकर बेचते थे और यहाँ से किराना, कपड़ा, रोज़मर्रा की चीज़ें लेकर जाते थे, तो किसान जो दूर दूर गांव से आते थे, व्यापारी भी इस गांव में आते थे, तो उनके आने का माध्यम जल मार्ग था और वो नदी के माध्यम से नाव के सहारे यहाँ पहुँचा करते थे। चौथर से लगे अनेक गांव इस क्षेत्र में नदी की वजह से ही यहाँ के व्यापार को विकसित किया। वैसे तो इस नगर का राजस्व ग्राम नाम चाक है, किंतु चाकघाट रामलीला मैदान के बगल में बना हुआ एक प्राचीन पक्का घाट है, जहाँ पर क्षेत्र के व्यापारी नाव मार्ग से आते थे और जब वे इस स्थान पर पहुँचते थे तो उनके नाविक पूछा करते थे कि आपको किस घाट पर उतरना है, तो वो लोग कहते थे चाक के घाट। चाक के घाट की वजह से इसका नाम आगे चलकर चाक घाट हुआ और यह चाक घाट के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि चाक घाट से संबंधित यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए रोचक एवं बहुपयोगी मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।